शवों की नहीं मनाई जाती। जितने महान पुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, तमाम महान पुरुषों की जयंती मनाई जाती है, यह चित्र की जयंती नहीं मनाई जाती। बाबा साहब के चित्र की जयंती नहीं मनाई जाती। जयंती मनाई जाती है कर्मों की, कर्मों की। जो कर्म अच्छे करते हैं उनकी जयंती मनाई। आदरणीय अतिथिगण और यहाँ पे जितने भी आए हैं सभी हमारे गार्जियन हैं, सबों को मेरा नमन है, वंदन है, चंदन है। और इतना अच्छा सभा जो करा रहे हैं और वह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नौगछिया में कार्यरत है, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि आज जो वह चिकित्सा पदाधिकारी बने हैं वह किसका दिन, शिक्षित का दिन है और हमारे बाबा साहब का दिन है। मैं आपको बता दूं, सम्मेलन की धरती जो रही है वह क्रांतिकारियों की धरती रही है। अभी मैं कुछ ऐसे ऐसे पदाधिकारी का नाम आपको अपने वक्तव्य से बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही की धरती है जो बहुत ही गरीब थे, भैंस चराते थे, लाठी लेके, हमने सुना है हमने गार्जियन से कि वह भैंस चराते थे और वह कृपा वाणी पुस्तकालय भवन में कुछ किताबें पढ़ी रहती थी और वह उस किताब से पढ़कर उसको इतना पैसा नहीं था कि वह बड़ा अधिकारी बन सके। आज इन्हीं का देन है। अभी उदार किशनगंज के जो है ना वहां पे DCLR पद पे कार्यरत है, वह कोई और नहीं है, वो हमारे पंचायत खैरा पंचायत के श्री कुंदन मंडल जी हैं। और मैं वैसे भी सदस्य का नाम गिनाऊंगा जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दिए थे, वो चल गए थे पंजाब कमाने के लिए। उसके पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, गांव वाले ने कहा कि ये पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ते रहता है, कुछ करेगा नहीं। लोग ऐसे भी है। मैं सबको ये कहूंगा कि कुछ समाज में अगर आगे बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़िए। अगर कोई लड़का आस पड़ोस में आपका आगे बढ़ रहा है उसका तन मन ना खींच के उसका हाथ आगे बढ़ाइए, जिसके कारण हम लोग का लिखे है ना, शिक्षित करें, संगठित करें, संघर्ष करें। ये तीनों का अर्थ जो है बहुत ही, आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, बताए BPSC से आए हुए हैं, आप लोग भी शिक्षक है, हमारे गार्जियन सेंजा देवी शिक्षक है, अरविंद मंडल सर आए हैं मलोरिया से, बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ आए हैं। मैं आपको बता दूं, सदस्य का नाम है राजाराम पंडित, ठीक है, वह भी अति पिछड़ा समाज से है और बहुत ऐसे ऐसे समाज में गिनाऊंगा तो कम हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग जो काम कर रहे हैं संगठित करने का काम कीजिए और इसी तरह से, और अति पिछड़ा का आवाज जो है ना अभी बहुत दबाया जा रहा है। अभी के वर्तमान स्थिति को देखा जाए, अभी अभी जैसे पदाधिकारी थे कटिहार के SDM के पद पे कार्यरत थे, जन्म है उनका, बता देता हूं मैं, एक फोन करता हूं तो वह सर काम करने के लिए तैयार होते हैं, शंकर शरण उम्मीद, वह SDM के पद पे कार्यरत है। किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। कुछ पंक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वक्तव्य में तो सारी बात कह दी है, मैं क्या कहूंगा, मेरे लिए तो कुछ चंद ही लाइन है। बाबा साहब थे, कर गुजर गए, कर गुजर गए, वह भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे, क्या चर्चा करूं यारो, क्या चर्चा करूं यारो, इतिहास को बनाने वाले हमारे भीम थे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसी तरह मेरा भी चैनल है, आपका अपना चैनल है, इंजीनियर अमित पंडित समिली, मैंने चैनल बनाया है समिली के, जहां भी जो भी होता है उस चीज को मैं अपने यूट्यूब में दर्शाता हूं और उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। और हाथ जोड़ के आप सबों से आशीर्वाद लेता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय समिली की जनता, तो लंदन है, वंदन है, चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अमित पंडित जी, हमारे यंगेस्ट वक्ता और कई इतनी ओजस्वी वाणी। तीसरी जयंती समारोह के आयोजन करता है डॉक्टर वरुण कुमार, वो अपने क्या कहते हैं विचार नहीं है कि अपना शोषण करवाते रहूं पीढ़ी दर पीढ़ी, ये संभव नहीं है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है, अब उसका उस चीज को अमल करना जरूरी है, जरूरत है। अब आ गया वो दिन आ गया ताकि हम दलितों, वंचितों, शोषितों और अन्य पिछड़े की आवाज बन करके समाज को दिशा और दशा देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं, मेरा घर पड़ता है मोरसंडा और मैं वाणिज्य कर विभाग से अपर आयुक्त के पद से रिटायर हुआ हूँ।
डेढ़ साल पहले। जहां तक अंबेडकर की बात है, अंबेडकर के बारे में हम लोग जाने कॉलेज, जब मैं कॉलेज गया था पूर्णिया में, ये दिन बार बार आवे, आराम से बार बार मैं आता हूं। सब भीम का ही फायदा लेकर के आप यहां तक पहुंचे हैं, ऐसे घटघटी भीम है हम देखते नहीं, इसलिए हमको भीम को देखना होगा। बस इन्हीं सब सभा के क्योंकि मैं विलंब से आया था, मुझे पता नहीं कि सभा के ट्रेन कौन की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ समेली के विवाह भवन में मनाया गया। मंच के संचालन कर रहे डॉक्टर विनोद कुमार कृषि वैज्ञानिक सेवानिवृत्त, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कृष्ण मोहन मंडल जी और तमाम समेली के बुद्धिजीवी, ग्रामीण माताएं और महिलाएं उपस्थित रही। और इस कार्यक्रम पे सभी अपने अपने वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके किए हुए कार्यों को अपने अनुरूप लाने के लिए बात रखी। और सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके लिए समाज में किए गए कार्यों को चर्चा की गई। बने रहिए आपका अपना चैनल इंजीनियर अमित पंडित सम्मेलन में।